हाल ही में इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर से अपनी 98 ब्रिगेड को वापस बुला लिया था। इस फैसले को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा था कि 98 ब्रिगेड ने पिछले 4 महीनों की लड़ाई में अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उसे वापस बुलाया गया है। वहीं कुछ इजरायली मीडिया हाउसेज ने यह दावा किया था कि राफा पर जमीनी हमले की तैयारियों के लिए 98 ब्रिगेड को गाजा से वापस बुलाया गया है। वहीं हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने यह ऐलान किया था कि उसके भीषण हमलों की वजह से इजरायली फौज को यह इलाका मजबूरी में खाली करना पड़ा। हालांकि इजरायली सेना की नहाल ब्रिगेड को लेकर कहा गया था कि वो अभी गाजा में ही बनी रहेगी और उत्तरी और दक्षिणी गाजा में सेना की आवाजाही को लेकर कोऑर्डिनेशन का काम करेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नाहल ब्रिगेड भी अल कासिम ब्रिगेड के राडार पर आ चुकी है। दरअसल नाहल ब्रिगेड को लेकर अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि नजरीम में नाहल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है। अल कासिम ब्रिगेड का कहना है कि उसने हैवी कैलिबर मोर्टार गोलों से नाहल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर हमला किया। वहीं दूसरी तरफ अलकुज ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि उसने राइम मिलिट्री बेस पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर मिसाइल का एक पूरा साल्वो दागा है। अलकुज का कहना है कि उसने इस अटैक के अलावा गाजा में फ्रंटलाइन पर इजरायली सैनिकों के जमावड़े के दौरान आईडीएफ के मेरकावा 4 टाइप टैंक को उड़ा दिया है। हमास ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे हमास का लड़ाका एक इजरायल के मेरकावा टैंक को टारगेट पर लेता है। इसके बाद टूटी हुई गाड़ियों के ढेर के बीच से निकलकर उस टैंक पर यासीन 105 गोला दाग कर उसे उड़ा देता है। आपको बता दें कि गाजा के भीतर अल कासिम और अल कुज ब्रिगेड के अलावा अन्य प्रतिरोधी समूहों ने हाथ मिला लिया है और ये सभी गाजा में एक साथ पूरे समन्वय से आईडीएफ पर हमले कर रहे हैं। कफार अज्जा में भी गाजा के प्रतिरोधी समूहों ने बम बरसाए हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब इसराइल धीरे धीरे गाजा से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसकी 98 डिवीजन में 3 ब्रिगेड शामिल थी जिनकी गाजा से वापसी हुई है और इसमें इजरायली सेना की 7वीं आर्मर्ड ब्रिगेड भी थी जो खान यूनिस में 4 महीने की लड़ाई के बाद वापस लौटी है। हालांकि इस बीच आईडीएफ ने ये जरूर कहा है कि नाहल ब्रिगेड खान यूनिस में बनी रहेगी जो दक्षिणी गाजा से उत्तर की तरफ लोगों की वापसी को रोकेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमास ने नाहल ब्रिगेड को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब नाहल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है।